तो सुबह की शुरुआत खेत में मेरे यार। तो आज हम पहुंच गए हैं खेत और ये है अपना व्लॉग नंबर 2। तो स्वागत है अपने इस नए व्लॉग के एपिसोड में, जो अपना है नर्सरी वाला एपिसोड, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में किया था सीड बेड प्रिपरेशन। तो चलिए खेत की तरफ बढ़ते हैं, बाकी बातें खेत में बढ़ते करेंगे। तो आज हम कोई छलांग लगाने वाले नहीं हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में छलांग लगाया था, उसमें हम लोग थोड़ा लैंडिंग गलत कर लिए थे। तो हमने आज धीरे धीरे कदमों से चलना स्टार्ट किया है। तो बात करते हैं खेत में जाने की, तो चलिए खेत की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। तो मौसम काफ़ी है सुहाना, और सुहाना मौसम है तो दिखाना तो पड़ेगा ना भाई। तो ये मौसम काफ़ी है सुहाना, जैसा कि आप देख रहे हैं, और सामने लगा है हमारा नर्सरी, और लेफ्ट साइड लगने वाला है हमारा गोभी, और राइट साइड जो आप देख रहे हैं बांस या बल्ली, इसमें लगने वाला है हमारा टमाटर। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो नर्सरी लगे हुए टोटल हो चुके हैं 2 दिन, ये है अपना नर्सरी का मतलब 3रा दिन। आज हम नर्सरी का जो ऊपर का नेट ढाँक के गए थे उसको जा रहे हैं खोलने। तो आज हम खोलेंगे नेट को जो नर्सरी में लगा है। तो चलिए बढ़ते हैं नर्सरी के एरिए में। तो ये रहा अपना नर्सरी का एरिया जहाँ नर्सरी लगा हुआ है, ये टोटली पूरे नेट से ढका हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा नर्सरी जिसको हमने नेट से ढक रखा है, और ये नर्सरी का 3रा दिन है, और 3रा दिन हम इस नेट को खोलने वाले हैं। उसके बाद कुछ दवाइयाँ स्प्रे करने वाले हैं इसके ऊपर, इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये है अपना नर्सरी, देखो काफ़ी अच्छा मौसम भी दिख रहा है आज वैसे। तो उससे पहले चेक कर लेते हैं अपना जर्मिनेशन कितना हुआ है। तो ये नेट थोड़ा फटा हुआ था, यहाँ से हम थोड़ा झांक के देख लेंगे कि हमारा जर्मिनेशन कितना हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जर्मिनेशन तो काफ़ी अच्छा हो गया है, पौधे निकल के आ चुकी है, बीच से पौधा निकल चुका है, और मिट्टी को बेधते हुए पौधे निकल गई है, और अपना जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा ठीक ठाक हो गया। तो बारी है इस नेट को खोलने की। तो नेट कैसे खोला जाते हैं वो आगे हम दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले नेट खोल लेते हैं। तो चलिए गाइस, तो ये हमारा नेट खोलने का काम स्टार्ट हो चुका है, जिसमें नेट खोला जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेट खोलने के बाद भी अपना जो जर्मिनेशन है वो दूर से दिख रहा है, और हम पास से भी दिखा रहे हैं कि जर्मिनेशन कितना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग पिछला एपिसोड में जर्मिनेशन के लिए सीडलिंग जो किए थे एकदम कतारबद्ध किए थे, तकरीबन एक कतार में 60 से 70 सीड आई थी, तकरीबन गिना तो नहीं है लेकिन आंकड़े के हिसाब से 60-70 सीड आई थी। उसमें से बहुत सी सीड जर्मिनेट हो गई है, मतलब 60 से 70% हमारा जर्मिनेशन हो गया है। तो बारी आती है उसके बाद इसमें कुछ दवाइयाँ स्प्रे करने की, बट उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना पड़ता है, और वो है स्प्रेयर की धुलाई। तो उसके लिए हमने आधा बाल्टी पानी डाल दिया है और अपना स्प्रेयर चालू कर रहे हैं। स्प्रेयर की धुलाई हम लोग क्यों करते हैं, ताकि जो पिछला वाला दवाई है वो आगे वाले जो दवाई डालें उसमें मिल के अपने फसल को, या फिर जो अपना कुछ भी क्रॉप है उसको हार्मफुल इफ़ेक्ट ना पहुंचाए, कुछ नुकसान ना पहुंचाए। तो ये हम लोग स्प्रेयर की धुलाई कर लिए। उसके बाद आती है दवाई की, तो कौन कौन सा दवाई यूज़ में लाया जाए। तो हमने एक बाल्टी पानी में अपना जो इंसेक्टिसाइड है दवाई यूज़ में ले रहे हैं उसको यूज़ करेंगे, और ये है अपना चिपको है जो अभी डाल रहे हैं वो चिपको। इससे पहले हमने इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड डाल दिया इसमें, तो ये हमने एक बाल्टी में दिया है, और एक बाल्टी दवाई इसमें हम टोटल स्प्रेयर में डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो हमारा एक बाल्टी दवाई खाली होने को है, और ये हम दवाई पूरा स्प्रेयर में डाल चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे दवाई को स्प्रे, और स्प्रे कैसे करते हैं वो दिखाते हैं हम आपको। तो हम ये दवाई स्प्रे करने के लिए पहुंच गए, और ये हमारे स्प्रे चालू हो चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही चलना स्टार्ट हुआ, हम टोटल 2 सीड बेड को कवर कर रहे हैं चलते चलते,
चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बरसात के कारण, वो मिट्टी थोड़ा दलदल टाइप हो गया है, पैर ठीक से चलते नहीं है, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे स्प्रे किया जा रहा है। स्प्रेयर में दो नालियों को नहीं, दो सीड बेड को कवर किया जा रहा है एक साथ। देखिए कुछ इस प्रकार से। तो दवाई स्प्रे हमारा हो चुका है, फिर बारी आती है बांस गड़ाने की या फिर बल्ली गड़ाने की, मच्छरदानी लगाने के लिए। तो ये है हमारा अपना मच्छरदानी, ये देखो ये अपना मच्छरदानी है। याद रखिएगा कि ये नेट नहीं है, ये मच्छरदानी है। हम लोग यूज़ मच्छरदानी का करेंगे क्योंकि नेट बहुत भारी हो जाता है और मच्छरदानी हल्का रहता है, तो नेट जब पानी गिरता है तो वैसे बैठता नहीं है, मच्छरदानी नेट बैठ जाता है, मच्छरदानी नहीं बैठता, सॉरी। तो अपना मच्छरदानी लगाने का कुछ काम इस प्रकार से चालू हो गया। जो अपना मच्छरदानी की ऊंचाई हो तकरीबन आधा हाथ से ज़्यादा या फिर एक हाथ के आसपास रहता है, अपना हाथ टोटल एक हाथ के आसपास इसकी ऊंचाई रहती है। तो मच्छरदानी को यहाँ बांधा जा रहा है, और ये नीचे हमारा नर्सरी है जो कि जर्मिनेट हो चुका है, और ये 2 दिन बाद है नर्सरी लगने के बाद। तो इस प्रकार से कुछ मच्छरदानी को बांधा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसे करते करते हम मच्छरदानी को पूरा लास्ट तक बांधेंगे और पूरा मच्छरदानी लगाएंगे। और मच्छरदानी लगने के बाद अपना मच्छरदानी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, लंबा का लंबा। और उस देखो आप, ऐसे एकदम बिल्कुल सीधे, कहीं ढीला नहीं छोड़ना है, एकदम स्ट्रेट टाइट रखना है अपने को मच्छरदानी। और ये अपना नीचे जो नर्सरी है वो, तो मच्छरदानी लगने के बाद अपना जो नर्सरी का एरिया है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये हमारा टमाटर का नर्सरी है जिसको हमने पहले डाल रखा था, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है। और ये अपना पूरा गोभी का नर्सरी है, कितने रो में है, 4 रो में बस। तो सब काम होने के बाद, मच्छरदानी लगने के बाद बारी आती है एक बहुत ज़रूरी काम करने की, और वो है यूज़ किए गए पैकेट्स को खेत से बाहर फेंकना। आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा ब्लॉग नंबर 2। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना, और वीडियो आगे शेयर करते जाना ताकि आगे और आदमी को नॉलेज मिल सके खेती के बारे में। तो अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।